ठीक है। तो कौन सा चैप्टर है आज का? दशहरा। आने वाला है दशहरा? कब, कौन सी तारीख को आएगा? नहीं, तो ये समथिंग 23-24 को पड़ेगा ना। क्या होता है दशहरे के दिन या नवरात्रि में क्या क्या होता है? अच्छा ये बता दो मुझे। और क्या क्या होता है? और ये देखो, ये सारी चीजें तुम्हारे चैप्टर में दी हुई है, उसी से रिलेटेड अपन पढ़ रहे हैं। हाँ, इसमें अलग अलग शहरों के दशहरों के विषय में जानकारी दी हुई है, जैसे कि पश्चिम बंगाल का दशहरा कैसा होता है, मैसूर का दशहरा कैसा होता है ना, गुजरात का दशहरा कैसा होता है। विशेष तौर पे गुजरात का जो दशहरा या नवरात्रि होती है, वहां पर डांडिया खेला जाता है। कहाँ पे खेला जाता है? गुजरात के ना नव दुर्गा पंडालों में डांडिया वहां पे ज्यादा खेला जाता है। लेकिन अभी धीरे धीरे ये परंपरा पूरे देश में चलने लग गई है, ठीक है। तो दशहरा मनाया क्यों जाता है, इस विषय में बात कर लेते हैं थोड़ी सी, है ना। तो भगवान राम ने दशहरे के दिन रावण का वध किया था, इसलिए उस दिन के बाद से दशहरा मनाना शुरू हो गए, है ना। अब राम जी कौन थे और कितने भाई थे, ये पता है तुम लोगों को? हाँ, लव कुश उनके लड़के थे राम जी के। उनके भाई कितने थे? राम जी के पिताजी का नाम पता है? चलो मैं बता देता हूँ, है ना। यहाँ पे सबसे पहले अपन वहां से शुरू करते हैं, और इसमें क्या है, अपन थोड़े उनके परिवार के सदस्यों के नाम और वहां की थोड़ी बेसिक जानकारी लेंगे, ताकि उससे तुम लोगों का नॉलेज बढ़ सके और तुम्हें पता चल सके कि दशहरा क्यों मनाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले राजा अज, अयोध्या के कौन राजा थे? अज। राजा अज के पुत्र का नाम क्या था? राजा दशरथ। क्या नाम था? दशरथ। अब दशरथ जी के चार पुत्र हुए, है ना, उनका नाम बताओ। पहले बड़े पुत्र का नाम तो राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। सुनो, अब इन चारों भाइयों के दो दो पुत्र थे, है ना। राम जी के दोनों पुत्रों का नाम था लव और कुश। लव और कुश। लक्ष्मण जी के दो पुत्र थे, उनका क्या क्या नाम था? लक्ष्मण जी के पुत्रों का नाम था चित्रांगत। लक्ष्मण जी के पुत्रों का नाम था चित्रांगद और चंद्रकेतु। भरत जी के दो पुत्र थे, भरत जी के दो तार और पुष्कर, और शत्रुघ्न के भी दो पुत्र थे सुभाउ और सूरसेन। ठीक है, अब राजा दशरथ जी के कितनी पत्नियां थी? तीन। अब दशरथ जी के तीन पत्नियां थी, कौशल्या, केकई और सुमित्रा।
कौशल्या राम जी की माता जी थी, केकई भरत जी की, और सुमित्रा लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी की माता जी। ठीक है, इतना आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं अपन। नहीं सुनो, वाल्मीकि रामायण और जो तुलसी रामायण है, इन दोनों रामायणों में जिक्र नहीं है, लेकिन दक्षिण की जो कंबन रामायण है उसमें इस बात का जिक्र है कि उनकी एक बड़ी बहन थी जिसका नाम था शांता। बड़ी बहन, कंबन रामायण के अनुसार शांता राम जी की बड़ी बहन का नाम था। ठीक है, जिनका विवाह अंग देश के एक शृंग ऋषि से हुआ था। ठीक है, राम जी का जन्म कब हुआ था? तो यह हिंदू धर्म के अनुसार हुआ था चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था, है ना? जो उस दिन रामनवमी की छुट्टी भी होती है, तो उस दिन उनका जन्म हुआ था चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को राम जी का ये हिंदू धर्म के अनुसार है, लेकिन जो नासा का एक सॉफ्टवेयर है उसमें जब वाल्मीकि रामायण के अनुसार जो ग्रह नक्षत्र उन्होंने राम जी के जन्म के विषय में बताए वो जब उस सॉफ्टवेयर में डाले गए तो उनकी वहां पे जन्म तारीख निकल के जो सामने आई है 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व दोपहर के 12:05 एम पर। ठीक है, यानी तकरीबन 7000 साल पहले, यानी तक 7000 वर्ष पूर्व अब तुम लोगों ने राम सेतु का नाम सुना है? राम सेतु जिस पे चढ़ाई करके वो लंका पहुंचे थे, हनुमान जी ने बनाया था समुद्र के ऊपर पत्थरों से। हाँ सर। बनाया था, रामायण में देखा है। हाँ तो देखो, वो उसके कार्बन डेटिंग से पता चला है कि उसकी भी उम्र 7000 या 7500 साल पहले है, है ना? उसकी कार्बन डेटिंग में पता चला है कि उसकी उम्र, वो बना होगा 7 से 7500 साल पहले, और वो मैन मेड है, यानी मनुष्यों ही द्वारा बनाया गया है। वो राम सेतु 7000 वर्ष मैन मेड सेतु है। राम जी ने रावण को क्यों मारा, इसका कारण क्या है? कि जब 14 वर्षों के वनवास के लिए जब राम जी वन में गए तो रावण ने सीता माता को अकेले देख के उनका हरण कर लिया, वो उनको लंका ले गया। इसलिए राम जी फिर वानर और भालुओं की सेना लेके गए, और दशमी के दिन उसका वध कर दिया। इसलिए अपन दशहरा मनाते हैं। गुजरात का दशहरा सबसे फेमस होता है। गुजरात का कि नवरात्रि और दशहरा में डांडिया खेला जाता है ना,
और एक मैसूर कर्नाटक है ना, कर्नाटक में दशहरा, दशहरे के दिन, सुनो इधर, कर्नाटक में दशहरे के दिन मैसूर पैलेस को लाइटिंग के साथ पूरा शहर को सजाया जाता है, वहां इतने धूमधाम से दशहरा मनाया जाता है। मैसूर पैलेस को पूरा सजाया जाता है। ठीक है, आया समझ में? इसके प्रश्न उत्तर पूछ लूं अभी मैं तुम्हारे, इसमें सिलेब जो भी पार्ट है उसमें इसी से रिलेटेड थोड़ी बहुत चीजें दी हुई है, ज्यादा बड़ी फिर बड़ी